हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान हार्डवेयर यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ग्लास रैक, पूरी रैक की इंस्टॉलेशन करके बताऊंगा आपको, कॉस्टिंग के बारे में बताऊंगा, पूरा सिखाऊंगा, मतलब किस तरीके से इंस्टॉल करनी है, ग्लास कितने एमएम का लगाना है और कैसे कैसे क्या होगा। एक बार दिखा देता हूँ हमने किस तरफ लगानी है, मेरा पीछे देख सकते हो ये पूरे एरिया के अंदर ग्लास रैक लगेंगी। कंप्लीट होते ही पूरी वीडियो दूंगा, मैं रिव्यू दूंगा पूरा, और अभी पूरी इंस्टॉलेशन देता हूँ और करते हैं वीडियो को स्टार्ट।
डेढ़ इंची गोल पाइप है और ये हमारे चेकनेट है एनएलकी वाले, और इस तरीके से हमने पूरी रैक इंस्टॉल कर दी है। बाकी वीडियो के अंदर मैगी भी मैंने दे दी है, इस तरीके से हमने इंस्टॉल करी पूरी। और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, पूरी रिव्यू कर देता हूँ इसका, और इसकी कॉस्ट के बारे में भी खैर बात कर लेते हैं अभी। इसकी जो हम जो अपने तरीके से कॉस्टिंग निकालते हैं वो ये होती है 1500 रुपये पर सेल्फ के हिसाब से, 1500 रुपये पर सेल्फ के हिसाब से हम इसकी रैक तैयार कर देते हैं। जो कि रैक का खर्चा है हमारा 55,000 रुपये खर्चा आया है रैक का। और जितने सेल्फ ज्यादा बढ़ते हैं हमें लंबी होती है ऊंची होती रहती है तो मतलब सेल्फ के पैसे कम होते रहते हैं। जितना एरिया छोटा होगा उतना पैसे बढ़ते रहेंगे, और जितना एरिया बढ़ता रहेगा हमारा उतना पैसे कम होते रहेंगे। छोटे एरिया में क्या होता है माल पूरा लगता है और समय भी हमारा ज्यादा लग जाता है, तो इसलिए थोड़े रेट हैवी होते हैं उसके, और जितना एरिया बढ़ेगा उतने रेट कम होते जाएंगे। और इसी हिसाब से अगर आप रैक बनवाना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो बिल्कुल। और ऐसे डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस फैब्रिकेटर की वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिलती रहती हैं, ये सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।